Please keep the applause going. सर आपने सुनील ने जलाई तो गर्मी जले done something new this time by having more than 75% of the women artists. So when you enter the room, you will find a lot of works which are done by women. So now we know that women, besides having their own careers, besides having to take care of the households, they are also taking time to express themselves through this beautiful medium of art and paintings and sculptures. So I am really looking forward to see the works here. I have not yet seen, but I also request everybody watching to come and have a look and see what women can do. Thank you. What's your take on the paintings? What's the paintings basically? See, each painting is different. So each one has his own style. So each one is trying to depict their own emotions into the paintings. So it is once when you start seeing the paintings, then only you realize what each one is trying to portray. I paint human emotions, जो एक spiritual journey, इसमें कोई मजहब नहीं related होता है, एक spirituality जो रहती है ना. सबसे पहला प्रश्न जो जब हम पैदा होते थोड़ा भी हो से मरते तो हम कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये मेरे चारों तरफ है क्या. तो वही चीज़ जो जमती रहती है वो एक एज के बाद मेल्ट भी होने लगती है और वो विस्तार पाने लगता भी है. तो शून्य का शून्य में विलय जैसे आकाश का, उसके ऊपर ही मेरा मोस्टली रहता है एक यात्रा का, अनंत यात्रा का. बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े सुंदर सुंदर आर्टिस्ट हैं, बड़े सुंदर सुंदर काम हुआ है और ये एक सुंदरता का मंदिर है. ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, आप आइए, आपकी बड़ी ज़रूरत है. तो कहने मतलब आर्ट का मतलब ही होता है कि सुंदरता, खुशबू फैलाना, है ना. तो हर आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से काम किया है और अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस शो के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. पेंटिंग के बारे में बताऊँ, क्या बताऊँ, पूछो. हर पेंटिंग अपने आप में ना जो है नायाब है, अलग है, डिफरेंट है और अलग अलग आर्टिस्ट हैं. और ये मेरा फर्स्ट जहांगीर आर्ट गैलरी में एक ड्रीम था जो पूरा हुआ.
और यहाँ कोशिश हुई आप सब आर्टिस्टों की बदौलत, इन लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का आशीर्वाद था तो मैं यहाँ तक आया और ये इंटरनेशनल ग्रुप शो किया। इसको पूरा करने में आर्टिस्टों का और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा मेरे साथ में, रुहिया साहब का खास तौर से मेरे साथ सहयोग रहा और आर्टिस्टों ने कहा कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। सर मैं ज़मीन के ऊपर हूँ आज फिलहाल, कि मेरी जिसकी कहते हैं ना मुमा की जन्नत मिली है मुझे, मेरी इच्छा पूरी हुई है और ईश्वर से करूँगा ऐसे ही मेरी पूरी इच्छाएँ होती रहे। नहीं मैं ज़मीन में अंदर चला गया हूँ सर और पेट बढ़ा लिया, पेट भी बढ़ गया। मेरे सर ये 55 आर्टिस्ट हैं जिसमें जर्मनी से हैं मेरे पास 2 आर्टिस्ट और अपने जापान से भी आए हैं, फ्रांस से भी आए हैं और हिंदुस्तान के तो हर कोने कोने से मेरे पास आर्टिस्ट हैं। सर आर्ट तो हर जगह आर्ट ही है, अब हम अपनी कोशिश है कि हम अपनी हिंदुस्तान की आर्ट को लेकर इंटरनेशनल शो, भाई लोगों का साथ रहे, आर्टिस्टों का साथ रहे, तो मेरी इच्छा है कि मैं हांगकांग, यूके, यूएस और पेरिस जाने की इच्छा हो रही है कि यूरोप का टूर अपने आर्टिस्टों के साथ करूं और अपने हिंदुस्तान की आर्ट को जगह जगह लेके जाऊं और हिंदुस्तान से बाहर लेके जाऊं। जहांगीर आर्ट गैलरी में शो करना इज अ ड्रीम फॉर एवरी आर्टिस्ट। जहांगीर आर्ट गैलरी में शो करना हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है। इस बार मैंने जो पेंटिंग बनाई है तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो संसार में अपने सब मैनी उथल पुथल होते रहती है, सो दैट इज़ बीन डिस्प्लेड इस जगह पे। और ये मॉन्क बताया है और पारदर्शी बताया, ट्रांसपेरेंट बताया, जैसे आत्मा होती है तो हमको संसारिक बंधनों से मुक्त होके ईश्वर के पास जाने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, द फाइनल डेस्टिनेशन, द पेंटिंग का नाम है द फाइनल डेस्टिनेशन, सो इट्स बीन डिस्प्लेड दैट वे। और ये पेंटिंग है मोक्ष, जो डार्कनेस सिग्निफाई करता है लॉर्ड ऑफ इग्नोरेंस एंड द ब्राइटनेस कलर सिग्निफाइज द प्योरिटी, द सात्विक गुना। सो हाउ डू यू ट्रांसेंड द 3 मोड्स ऑफ नेचर, जो इग्नोरेंस से लेके अपने को सात्विक में आ सकता है, तो ये पेंटिंग का उस थीम है और ये निर्वाण आपको।